ये लीजिए तुम्हारे लिए ये काले काले गोल गोल बैंगन। ढूंढते ढूंढते मैं तो पसीने पसीने हो गई। इसलिए मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम नहीं जानते। ये काले काले गोल गोल बैंगन पुकार पुकार कर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भरता बना, मुझे भरता बनाओ। तुम ये काले काले गोल गोल बड़े बड़े बैंगन उठाकर क्यों लाई माँ? आज हम सिर्फ बैंगन खाएंगे क्या माँ? सूरज को सूरज मुलुंड से भले नेपिंसी रोड आ जाए, रहेंगे तो मिडिल क्लास ही ना। माँ सूरज को बैंगन बहुत पसंद है। कोई हैरत की बात तो है ही नहीं, हर गवारों वाली चीज हमारे जमाई राजा को बहुत पसंद है। राधा तुम अपनी माँ से कह दो कि तुम भी मेरी पसंद हो और ये काले काले गोल गोल बैंगन इनमें क्या क्या गुण छुपे हैं ये तुम्हारी माँ को नहीं पता। जैसे वो गुण जो तुम्हारे अंदर छुपे हैं जो सिर्फ बेबी को नजर आते हैं। मैं नहीं खाऊंगी ये बैंगन। हाँ तो ठीक है, होटल से कुछ मंगा लीजिए अपने आप के लिए। मुझे तुम्हारी तरह कुछ मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे लिए चीजें अपने आप आ जाती हैं। रिमेम्बर जैसे खुद या आ जाती है। आई रिमेम्बर। जी हाँ बेटा, क्या हुआ? नानी ठीक कह रही थी, आपको कुछ नहीं पता, मैं परी हूँ, सच की परी। अच्छी और मुझे इस बात से नफरत है। That's my girl. That's my girl. मैं परी क्यों हूँ? और नानी कहाँ है? ऊपर। नानी, नानी। जिया ठीक क्यों नहीं है? हाँ, जरूर ये लड़की कॉलेज में कोई गड़बड़ करके आई है। मैं भी देखकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो इस वक्त। इस वक्त जिया किस हाल से गुजर रही है सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। हे भगवान प्लीज बेचारी जिया की रक्षा करना। जिया और परी, व्हाट अ हॉरिबल थॉट। नमस्ते सूरज जी। ओह गॉड, ये कैसे आ गई? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। क्या चाहिए शांति जी? थोड़ी शांति चाहिए जी। शांति और क्या जी, रब ने दिया सब कुछ तो है हमारे पास, बस थोड़ी सी शांति चाहिए। लेकिन कैसे शांति चाहिए शांति जी? मेरा कहने का मतलब थोड़ी धूप चाहिए, वो आपका पेड़ है ना जी। जिया कॉलेज से आ गई? हाँ बस अभी आई है। देखिए शांति जी, वो क्या है कि जो पेड़ है ना उसे प्लीज मत काटिए। देखिए ना, जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो आपका है, हमारा तुम्हारा चलता रहता है। बातों के बड़े जादूगर हो जी आप तो। हाय राम, इतने सोने काले काले गोल गोल बैंगन कहाँ से लाए जी? बाजार से, बहुत ढूंढने पड़ते हैं, 2 घंटे घूमी तब जाके इतने अच्छे बैंगन मिले हैं। चाची, चाची। वो क्या है ना, इन्हें बहुत पसंद है। अच्छा, इन्हें बहुत पसंद है और मेरे बिट्टू को भी जी बहुत पसंद है। सुरची, एक बैंगन ले जाओ। कैसी बातें कर रही हो शांति जी, अगर 5-5 बैंगन ले जाने से आपको शांति मिलती है ना तो बेशक 5 बैंगन ले जाइए। मैं चलूं? ओके शांति। हैप्पी बैंगन डे। हैप्पी बैंगन डे। हैप्पी बैंगन डे। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, खुद शांति जी के घर पे चले जाओ बैंगन बनके। अपना गुस्सा थूको और चलो मेरे साथ बैंगन बुनने। बैंगन क्या बुनोगे, मैं तो खुद बुन चुकी हूँ। बहुत सारा गुस्सा। Happy Bangan Day, Happy Bangan Day to me, Happy Bangan Day to me. पापा, आप ये बैंगन लेके कहाँ जा रहे हैं? Happy Bangan Day to me. पापा, नानी। पापा, आप इस बैंगन को क्या करोगे? भूनूंगा इसे। आज का मेन्यू है बैंगन का पापा, मकाई की रोटी और मीठे मीठे गुलाब जाम। क्या पैम? देखो आज कोई इंग्लिश डिश नहीं बनने वाला है। पापा मुझे बैंगन नहीं खाना। लगता है नानी का असर तुम पर कुछ ज्यादा ही जल्दी पड़ जाता है। नहीं पापा बोलो, ये बैंगन नहीं पापा, प्लीज पापा प्लीज मत बोलिए। नहीं 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 नहीं
आज बैंगन का भरता ही बनेगा। हैप्पी बैंगन डे टू यू। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मैं भी मर्द का बच्चा नहीं अगर ये बैंगन का भरता नहीं बना तो। तुम मर्द के बच्चे तब रहोगे जब तुम इस बैंगन को नहीं भूनोगे। सिंचन के दिन बैंगन नहीं भूनते बुरा होता है, अपशगुन होता है, खाना पूरा तबाह हो जाता है, मर्द ना मर्द बन जाता। देखो तुम्हें मेरी कसम। कमजोर बनाते ना मुझे। ठीक है मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। जो भी सड़ा बुना पकता है ना शनिवार के दिन पका के भेज देना। बाय। खुद तो सूरज की तरह सुलगता रहता है, आज किसी और को भी जलाने चला था। माँ आप भी ना जब देखो इनके पीछे पड़ी रहती हो। ये बैंगन तो भुनने के लिए होता है, पूजने के लिए थोड़ी। अरे मगर इनमें से एक बैंगन पैम है। पैम? हाँ। कौन पैम? पैम धाम। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। जी आज उसका झगड़ा हो गया और वो गलती से बैंगन बन गई। अब हम क्या करेंगे? इसे फिर से पैम बनाएंगे और क्या होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैंगन पैम है? लिपस्टिक। लिपस्टिक? लिपस्टिक? पैम लिपस्टिक लगाती है या नहीं? नानी लगाती क्या है, पोती है। फिर तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जब जब किसी इंसान को किसी चीज में बदला है पर्दों का तो पता नहीं चलता था, लेकिन औरतें लिपस्टिक के निशान से साफ पहचानी जाती थी। लिपस्टिक का निशान ढूंढो 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 लिपस्टिक 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 दिल नहीं लगा ना तुम्हारे बिना। नानी पता है वो पैम परमिंदर इन्हीं की भांजी है। ओह इनके साथ रह रही है। पैम परमिंदर एक ही है? हाँ लेकिन वो है कहाँ जी? हमें क्या पता आपकी भांजी है। वैसे वो जो बैंगन है आपके पास वो हमारा है, हमें दे दीजिए। अरे कमाल करते हो, पहले बैंगन देते हो फिर वापस मांगते हो। अरे वो सूरज बेवकूफ है ना, उसने दे दिया, उसे पता नहीं था ना कि ये बैंगन नहीं है। और नानी बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है, सिटे आ गई है तू। अरे मम्मा अब क्या होगा, नानी वो बैंगन कैसे लाएंगी? शांति शांति वो शांति दे हमारा बैंगन दे। अब ये मेरा हो चुका है। पर खरीद कर तो हम लाए हैं। मुझे तो सूरज जी ने दिया है ना। अरे उस बेवकूफ को क्या मालूम है। हाय हाय क्या जमाना आ गया, दामाद के घर में रह के सास को ज्यादा मालूम है। मैं दामाद के घर में रहूं चाहे बेटे के, तुमसे मतलब? हाय हाय हम इतने मतलब ही नहीं है जो सिर्फ मतलब से मतलब रखे। हाँ तुम्हारी तो आदत है ना हर जगह अपनी नाक घुसड़ने की। मेरी नाक घुसड़ने से तुम्हें क्या तकलीफ होती है नानी, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम्हारे मन में ना चोर है। चोर? चोर तो तुम हो, चुरा कर लाई हो हमारा बैंगन। हाय हाय चुरा कर थोड़ी लाई हूँ, घर के मालिक ने दिया है मुझे। शांति क्यों अशांति करती हो, वैसे ये बैंगन खाने के लिए नहीं है पूजा के लिए है। झूठ 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 सच 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 झूठ 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 सच 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 झूठ झूठ। नानी तू कितनी कंजूस है, एक बैंगन के लिए मुझसे लड़ाई करती है। अरे लड़े मेरी जूती, मुझे तो बैंगन पसंद भी नहीं है लेकिन क्या करूं, शनिदेव को प्रसाद जो चढ़ाना है 32 बैंगन राधा गिनकर लाई थी, मैं तुझे एक भी नहीं दे सकती। चाहो तो पूजा के बाद मुनाव प्रसाद ले जाना, तू तो जानती है शनिदेव का प्रकोप गुस्सा में आ गया तो तुझे जलाकर राख कर देंगे। हाय हाय मुझे क्यों जलाकर राख करेंगे, वो तुम्हें जलाएंगे। हमारी दीवारी तो जुड़ी हुई है, घर तो तुम्हारा भी जलेगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अपने बिट्टू को ना वादा कर दिया है। तो ऐसा कर तू बिट्टू को कुछ और खिला देना। नहीं नहीं मैंने अपने बिट्टू से ना वादा किया है, नहीं तो वो तूफान मचा देगा। मीठे आलू बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मीठे आलू। हाँ मुझे मालूम। आलू? हाँ मेरे घर में कहाँ से आएंगे, मेरा घर क्या सब्जी की मंडी है जो सब कुछ मेरे घर में मिलेगा। अरे तुम्हारे घर में मिलता है क्या सब कुछ, तुम पड़ोसों से मांगते हो। ठीक है ठीक है, तुम्हारे घर में है? तुम्हारे अपने घर में है? अरे मेरे घर में कहाँ है, वहाँ है। कहाँ है वो? देखो टेबल पर है। है
सही, लेकिन ये आए कहाँ से? बिट्टू के पापा लाए होंगे। बिट्टू के पापा? हाँ? बच गई बैम की बच्ची, थोड़ा वक्त और हो जाएगा, इसकी बुआ खा जाती इसे कच्ची। माँ कच्चा नहीं, भुना हुआ। कविता थी तू नहीं समझेगी, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, सिंबॉलिक। हाँ चल चल हाथ दो, रेडी रेडी रेडी, शुरू करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। मुश्किल हो जाए हमारी आसान, बैंगन वापस बन जाए इंसान। इस मुश्किल का करो समाधान, हमें है प्राप्त तुम्हारा वरदान। रानी देवी तुम हो महान, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, सामान को इंसान में बदलिंग। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, हमें सफल करें। बदलिंग बैंगन होइंग पैम, बदलिंग बैंगन होइंग पैन। ये क्या नानी, पैम तो बैंगन की बैंगन ही है। अरे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है, ट्राई करते फिर से। चलो चलो, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, बदलिंग बैंगन होइंग पैम, बदलिंग बैंगन होइंग पैम। हू हा। नानी मम्मा, पैम का असली नाम परमिंदर सौंधी है, वो कहकर देखो। पहले क्यों नहीं बताया, चलो वंस मोर। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, बदलिंग बैंगन होइंग परमिंदर सौंधी। निकालो उसे अंदर से बाहर और लिटा दो उसे औंधी। परमिंदर सौंधी, परमिंदर सौंधी, हू हा। मैं यहाँ कैसे आ गई? ओ बैम हाय, तुम ना मेरा घर देखने आई थी और फिर तुम्हें चक्कर आ गया और तुम गिर गई। मैं अब तुम्हारे घर आऊँ? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमसे बड़ी गलती हो गई, इसे तो जला ही देना चाहिए। What? अब बेटा बेटा प्लीज, मैं आपको कोई बेटा बेटा नहीं हूँ, मैं बैम हूँ। बैम जिया, क्या तुमने मुझे कोई ऐसी जगह भेजा था जहाँ की दीवारें पर्पल रंग की थी और जहाँ जंगल जैसी खुशबू आ रही थी? जरूर तुमने मुझे कुछ किया है, जरूर। तुम वैसे भी काफी एबनॉर्मल लड़की हो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम था कि मेरा बॉयफ्रेंड था जो मुझे बैंगन बुलाता था। कैसे? जरूर कुछ गड़बड़ है, तुम नॉर्मल लड़की नहीं हो जिया, और ये बात मैं पूरी दुनिया को बताकर रहूंगी, समझी तुम? नानी अब क्या होगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा जिया। और क्या, परी होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अनपढ़ गवार रह जाओ। ठीक है, फिर मैं कॉलेज से एक शर्त पे जाऊंगी कि आप इसका कोई रास्ता निकालें। हाँ हाँ निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। आइडिया क्या, अब ऐसा नहीं हो सकता कि जादू से हम पैम की याददाश्त बना दें और उसे आज का ये दिन याद आ रहे? जिया अगर जादू से हम ये सब कुछ कर पाते ना, तो अब तक भगवान बन चुके होते। एक शख्स है जो ये सब कुछ कर सकता है। रानी देवी। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य बदलिंग। करो रास्ता परिष्कार, दूर करो अंधकार। परिलोका खोलो द्वार, परिलोका खोलो द्वार। देखा, जादू के प्रयोग से तुमने उसे कष्ट दिया, तुम्हें दंड मिलेगा, क्षमा नहीं मिल सकती। 8 दिन तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं होगी, जाओ मेरे सामने से अदृश्य हो जाओ। जादुई शक्ति वरदान न हुई, हमारे लिए सरदर्द हो गई। तो फिर आप म्यूजिक क्यों नहीं सुनती, उससे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं तो वही करती हूँ जी। रानी देवी माफ कर दीजिए, ये बच्ची है। तुम्हारी तरह नहीं है, सच्ची है। बोल नन्ही परी, क्या समस्या है? रानी देवी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो पैम से पहली बार मिली थी और उसने मेरा दिल बहुत दुखाया। सबसे पहले उसने इना और टीना को भड़काया, फिर मीता को सताया, फिर ध्रुव को फंसाया और फिर मुझ पर सारा सॉस गिराया। बस मुझे गुस्सा आ गया और फिर वो गलती से बैंगन पहन गई, लेकिन अब वो ये बात सबको बता देगी।
तो तुम हमसे क्या चाहती हो? रानी देवी, आप मुझे आज का ये दिन वापस दे दीजिए, सिर्फ एक दिन, ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं। नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। रानी देवी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं परी हूँ, अनजाने में मैंने उसे बैंगन बना दिया। प्लीज आप कुछ कीजिए। ठीक है, क्योंकि तुम सच्ची हो और तुम्हें नहीं मालूम था, मैं इसके बारे में सोचूंगी। सोचेंगी? क्या सोचेंगी? इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? जिया की तो कोई गलती है ही नहीं, वो लड़की है ही ऐसी चुड़ैल, ये कैसा न्याय है? तो क्या तुम मुझे न्याय करना सिखाओगी? न्याय मैं क्या सिखाऊंगी, न्याय करना तो आपका काम है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या न्याय और क्या अन्याय। मम्मा, एक दिन इसका गुस्सा ही इसका नाश करेगा। नाश हो या सर्वनाश, मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे तो सिर्फ जिया की खुशी चाहिए। जिया तो अभी बच्ची है, उसे तो मैं माफ कर सकती थी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं, तुम कभी नहीं सुधरोगी। जाओ मेरे सामने से, अदृश्य हो जाओ। नानी, किसने कहा था आपसे यूं रानी देवी से झगड़ा करने के लिए? अब देखो ना मामा, मामा तो रानी देवी की यहाँ रह गई, अब क्या होगा रानी? वही होगा जो मंजूर है, रानी देवी होगा। प्लीज नानी, कीजिए दुआ कि पैम मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिलाए, जैसे भी हो आज का दिन दोबारा से आए।